गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्वा के बारे में बताऊंगा, जो कि जेटब्रेन्स की तरफ से एक टेस्ट करने के लिए आईडीई है। एक्वा का इस्तेमाल आप लोग टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपने यूआईज को। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से यूआई को टेस्ट किया जाता है, और फिर उसके बाद हम लोग एक्वा के कुछ फीचर्स को देखेंगे कि व्हाई इट इज अ मस्ट हैव आईडीई फॉर ऑल द टेस्टर्स। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और स्टार्ट करते हैं इस आईडीई को एक्सप्लोर करना। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। द फर्स्ट स्टेप इज टू डाउनलोड जेटब्रेन्स एक्वा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जेटब्रेन्स एक्वा का, आप उसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली यहां पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। आप दो तरीकों से इसको डाउनलोड कर सकते हो। एक तो आप टूल बॉक्स ऐप, जो कि जेटब्रेन्स के सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों को डाउनलोड करने में मदद करती है, उसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो जस्ट दी आईडीई, जो कि मैं अभी करने वाला हूं, क्योंकि मैं जल्दी से आईडीई को इंस्टॉल कर लूंगा ऐसा करके। मैं आप लोगों को बताता हूं इसकी जरूरत क्या थी। जेटब्रेन्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, इंटेलिजेंट आईडिया, पाइचाम आप में से कई लोगों ने यूज किया होगा, टीम सिटी, यू ट्रैक, बहुत सारे हैं, जैसे कि पीएचपी स्टॉर्म है, वेब स्टॉर्म है। पीएचपी स्टॉर्म जो है स्पेसिफिकली पीएचपी के लिए है। तो होता क्या है कि जब भी कोई क्यूए इंजीनियर टेस्ट ऑटोमेशन करता है, तो उसको टू एंड फ्रो करना पड़ता है, अपने ब्राउजर से जाना पड़ता है आईडीई में, आईडीई से ब्राउजर में आना पड़ता है। जेटब्रेन्स एक्वा एक आईडीई है जो कि ये सारा काम आसान बना देती है। मैं आप लोग को इसके फीचर्स दिखाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कैसे। अभी के लिए हम इसको जल्दी से इंस्टॉल करते हैं। तो मैंने ये जो सेटअप है इसको रन कर लिया है, नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, इंस्टॉल करूंगा, वेट करूंगा इसके इंस्टॉल होने का, और फिर वापस आऊंगा। तो ये यहां पर इंस्टॉल हो चुका है। बेसिकली ये एक आईडीई ही है, लेकिन ये स्पेसिफिकली बनाई गई है क्यूए टेस्टिंग वालों के लिए। आप ऐसा नहीं है कि इसमें और काम नहीं कर सकते, आप लोग बिल्कुल इसमें सारे काम कर सकते हो, बट आपकी जो टेस्ट ऑटोमेशन है और जो टेस्टिंग वगैरह है, ये इसमें बहुत आसान हो जाती है। तो हम रन एक्वा पर क्लिक करके फिनिश पर क्लिक करेंगे, ताकि एक्वा मेरा लॉन्च हो जाए। जेटब्रेन्स जो है वो फेमस है अपने इस तरह के प्रोडक्ट्स निकालने के लिए, जैसे कि पाइचाम पाइथन के लिए निकला है, लेकिन इसमें आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो। उसी तरह जो हमारा एक्वा है वो क्यूए टेस्टर्स के लिए है, बट इसमें आप सब कुछ कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर कंफर्म करके। इस लाइसेंस एग्रीमेंट को मैंने पढ़ लिया है पूरा, आप भी पढ़ लेना पूरा, यहां से लेके पूरा jetbrains.com तक। कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे, और इसके बाद अलाउ पर हम क्लिक करेंगे, और मैं यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आप एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हो। अगर आप लोगों ने इनका पहले कोई प्रोडक्ट यूज किया है जेटब्रेन्स का, तो आपको इंटरफेस जो है काफी सिमिलर लगेगा। न्यू प्रोजेक्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो मैं इसका नाम फर्स्ट टेस्ट के नाम से रख दूंगा। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि आप लोगों को जनरेटर्स मिलते हैं, जो कि आपको एक पर्टिकुलर टेम्पलेट के आधार पर बनाकर देते हैं आपका प्रोजेक्ट। मेवन आर्किटेक्चर पर आप क्लिक करोगे, तो आप देखो यहाँ पर मेवन आर्किटेक्चर पे आपको मिलेगा, सेलेनियम में आपको जावा का जो प्रोजेक्ट है सेलेनियम का वो मिलेगा। मैं यहाँ पर सेलेनियम में पाइटेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं पाइथन में करना चाहता हूँ, वर्चुअल एनवायरनमेंट मेरा बनेगा। और यहाँ पर मैं नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाकर अपने इस टेस्ट का प्रोजेक्ट का नाम, जो कि मैं फर्स्ट टेस्ट रखना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट का नाम, वो मैं रखूंगा और क्रिएट पर क्लिक करूंगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा और खुल जाएगा मेरा जो IDE है विद दिस प्रोजेक्ट एज डिफॉल्ट। तो ये खुल गया है, काफी फास्ट है ये। और यहाँ पर देखो इंस्टॉल कर रहा है ये PyTest Selenium। तो बेसिकली ये मेरे लिए एक एनवायरमेंट सेट कर रहा है, जिसमें कि मैं PyTest यूज कर पाऊंगा। और मैं आप लोगों को इस IDE के थ्रू क्या क्या मिलता है वो बेसिकली बताऊंगा इस वीडियो में। और हम कुछ टेस्ट भी लिखेंगे और देखेंगे कि वो टेस्ट को लिखना कितना आसान बना देता है ये जो हमारा जेटब्रेन्स एक्वा है वो। तो यहाँ पर आप देखो कि कुछ टेस्ट यहाँ पर ऑलरेडी लिखे गए हैं। यहाँ पर देखो एक इन्होंने क्लास बनाई हुई है, और यहाँ पर कुछ टेस्ट लिखे गए हैं, जैसे कि टूल्स मेन्यू को टेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पर नेविगेशन टू ऑल टूल्स को टेस्ट किया जा रहा है, फिर यहाँ पर सर्च को टेस्ट किया जा रहा है। और अगर मैं इसका वेट करूँ थोड़ा सा, और उसके बाद मैं इसको रन करके आप लोगों को दिखाऊं, मैं वेट कर रहा हूं इसका और यहाँ पे सारी प्रोसेसेस के फिनिश होने का। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा सारे टेस्ट को रन करने के लिए, और देखो ये तीन टेस्ट इसमें है, इनको एक एक करके रन करेगा और फाइनली मुझे बताएगा कि ये टेस्ट पास हुए या फेल हुए। अब यहाँ पर आप इनका AI असिस्टेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूंगा इसके पहले गेम चेंजिंग फीचर से, जो कि है वेब इंस्पेक्टर। मैं अभी यहाँ पर क्या करूंगा, ये सारे टेस्ट डिलीट करूंगा, मैंने यहाँ पर बैक स्पेस दबाया, और यहाँ पर मैं जो साइट है उसको चेंज कर दूंगा wikipedia.com पर। एंड लेट्स ओपन दिस वेबसाइट wikipedia.com। तो मैं यहाँ पर wikipedia.com को कॉपी करूंगा और कॉपी करके यहाँ पर डाल दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर wikipedia.com खोलूंगा, आप देख सकते हो विकीपीडिया यहाँ पर खुल गया। अब मान लो मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक विकीपीडिया टेस्ट के नाम से टेस्ट बनाऊँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ विकीपीडिया टेस्ट। मान लो मैं इसका जो सर्च है वो टेस्ट करना चाहता हूँ, तो इसका नाम मैं रख सकता हूँ सर्च अंडरस्कोर टेक्स्ट। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा है मेरा जो स्क्रीन है वो। तो मैं काम करूंगा जेटब्रेन्स की सेटिंग्स, एडिटर जनरल, एडिटर जनरल मुझे याद है ये सेटिंग। और यहाँ पर कंट्रोल प्लस माउस व्हील से मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फॉन्ट साइज को इस तरह से कर लूँ। तो मैं अगर आपको ऐसे करके दिखाऊंगा ये, तो आपको बड़ा बड़ा दिखेगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि ये जो एरो दिख रहा है आपको, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर आ जाता हूँ ताकि आप लोग को दिखूँ मैं सही से। अब आप देखो यहाँ पर कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये जो दिख रहा है आपको,
इस पर क्लिक करूंगा और इसके बाद यहां पर क्लिक करूंगा, तो होगा क्या कि मुझे ये जो पर्टिकुलर सर्च इनपुट है इसका कोड मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर एड एलिमेंट टू कोड कर दूंगा, प्लस पर क्लिक करूंगा और आप देखो मुझे ये मिल गया सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। तो ये जो फाइंड एलिमेंट है वो मुझे मिल गया, मैं इसको बैकस्पेस करूंगा और यहाँ पर क्या करूंगा कि सेल्फ डॉट ब्राउजर डॉट ये टूल्स मेन्यू लिखा हुआ है, मैं इसको हटाऊंगा और मैं कहूंगा कि नहीं, टूल्स मेन्यू नहीं चाहिए मुझे, बल्कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये सर्च। ठीक है, तो मैं इसका नाम रख दूंगा सर्च इनपुट, सर्च अंडरस्कोर इनपुट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट ब्राउजर डॉट फाइंड एलिमेंट, ये किया मैंने। और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सर्च इनपुट डॉट सेंड कीज, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा मान लो पाइथन, मैं चाहता हूँ कि पाइथन यहाँ पर लिखा जाए और फिर मैं चाहता हूँ कि सर्च बटन पर क्लिक कर दिया जाए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इस पर और वेब इंस्पेक्टर पर क्लिक करके, इस पर क्लिक करके मुझे ये पर्टिकुलर मिल जाएगा। अब मैं इसका लोकेटर कॉपी कर लूँगा और मैं इसका लोकेटर इस तरह से पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगा कि यहाँ पर कंट्रोल डी करूँगा ताकि मुझे इसका जो डुप्लीकेट है वो मिल जाए, और मैं यहाँ पर फाइंड एलिमेंट करूँगा और मैंने इसका जो लोकेटर है वो कॉपी कर लिया। मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक चीज़ और कर सकता हूँ कि मैं इसको एक्स पाथ से जो है यहाँ पर ला सकता हूँ और ये फाइंड एलिमेंट वाला पार्ट इसका कॉपी कर सकता हूँ। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि ये जो मेरा, मैं इसको नीचे लेकर आऊँगा और इसमें लिखूँगा बटन सर्च बी टी एन इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर्च बी टी एन इज इक्वल टू सेल्फ डॉट ब्राउजर डॉट दिस, और इसके बाद मैं क्या करूँगा सर्च बी टी एन डॉट क्लिक मैं यहाँ पर कर दूंगा। और अब अगर मैं इस टेस्ट को टेस्ट करूँ, यानी कि इस टेस्ट को मैं रन करूँ अगर, और मुझे इसको टेस्ट अंडरस्कोर से स्टार्ट करना पड़ेगा टू मार्क ए टेस्ट टेस्ट, और मैं इसको अब रन करूँगा तो आप देखो कि ये यहाँ पर टेस्ट करना, इसको इसने शुरू कर दिया, पाइथन लिखा, सर्च किया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि जब भी यहाँ पर पाइथन लिखकर मैं सर्च करूँ ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर पाइथन लिखकर आए, यानी कि अगर मैं इसका एक्स पाथ कॉपी करूँ, मान लो मैं इसको जो है इसका फाइंड एलिमेंट यहाँ पर मैं कॉपी करूँ, इसको मैं बैकस्पेस करूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि मेरा टाइटल इज इक्वल टू सेल्फ डॉट ब्राउज़र, और इसके बाद मैं यहाँ पर फाइंड एलिमेंट करूँगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि जो टेक्स्ट है इट शुड बी इक्वल टू पाइथन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा एजर्ट टाइटल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू पाइथन। ठीक है, और मैं यहाँ पर प्रिंट भी कर दूँगा टाइटल डॉट टेक्स्ट को, एंड लेट्स रन दिस टेस्ट। और यहाँ पर इसने पाइथन लिखा, इसको सर्च किया, और यहाँ पर ये जो टेस्ट है मेरा पास हो गया। ये इसलिए पास हो गया क्योंकि इसका यहाँ पर जो टाइटल था वो पाइथन था। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोग प्लस पर क्लिक करके बाय एक्सपाथ, बाय सीएसएस सेलेक्टर, और भी ऑप्शन हैं यहाँ पर आप क्लिक करोगे अगर, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन में क्लिक करूँगा तो मुझे बाय टेक्स्ट, बाय टैग विथ क्लासेस, बाय सीएसएस और बाय एक्सपाथ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, सो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, पूरा वेब इंस्पेक्ट करके यहाँ से जो भी एलिमेंट वगैरह ऐड करना है वो डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब एक्को का एक कमाल का फीचर ये है कि जैसे जैसे आप टेस्ट टाइप करते जाते हैं वैसे वैसे ये आप लोगों को सजेस्ट करता जाता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, यानी कि आपको जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं वो ये सजेस्ट करता है। अब अगर मान लो आप पाइचाम जैसी आईडीई का इस्तेमाल कर रहे हो तब भी आप एक्को के फीचर्स का लाभ उठा सकते हो बाय इंस्टॉलिंग द एक्वा प्लगइन। तो आप यहां पर सेटिंग्स में जाओगे और इसके बाद आप प्लगइन्स में जाओगे और यहां पर आप सर्च करोगे AQUA, जो कि टेस्ट ऑटोमेशन के नाम से आता है। आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करोगे तो आप एक्वा के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाओगे। अब आप लोग यहां पर ये आइकन देख रहे हैं, अगर आप इस पर कंट्रोल क्लिक करोगे तो आप सीधे यहां पर इस बटन पर पहुंचोगे और आपको पता चल जाएगा कि कहां पर ये बटन है। तो आप डायरेक्टली यहां पर जो ये नंबर दिख रहा है ना, इससे पता लगा सकते हैं कि कितने मैचेस हैं इस पर्टिकुलर लोकेटर के आपके वेब पेज में। इसके बाद एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कोड इनसाइट्स। जैसे कि आप लोग कुछ ये टाइप करना चाहते हो मैनुअली, मान लो मैं यहां पर लिखता हूं @type, तो मुझे @type इज इक्वल टू सबमिट बता देगा और मैं यहाँ पर ऑटो कंप्लीट करके अपने कोड राइटिंग को फास्ट बना पाऊंगा। एक और फीचर जो कि मैं आप लोगों को इस आईडी का बताना चाहता हूं वो है पेज ऑब्जेक्ट जनरेशन। मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा और इस बार जो मैं प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ वो मैं बनाने वाला हूँ जावा में। तो मैं यहाँ पर सेलेनियम लिखूंगा, यहाँ पर जावा लिखूंगा और मैं यहाँ पर डेमो जावा लिख दूंगा और मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से जो आपका पेज ऑब्जेक्ट जनरेशन है वो हो सकता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर टेस्ट में जाओगे, राइट क्लिक करोगे, न्यू पे क्लिक करोगे और सेलेनियम पेज ऑब्जेक्ट पर क्लिक करोगे तो ये आप लोगों को एक पूरी सेलेनियम पेज ऑब्जेक्ट की टेम्पलेट बनाकर दे देगा एंड यू कैन राइट योर कोड फ्रॉम हेयर। तो ये थे कुछ फीचर्स जेटब्रेन्स एक्वा के। आप लोग इसको अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ ट्राई कर सकते हो, आप लोग इसको सेलेनियम के साथ ट्राई कर सकते हो जिस तरह से मैंने किया। तो मैं सारे रेलेवेंट लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप लोग को ये आईडीई कैसी लगी आप लोग मुझे जरूर बताना। एग्जिस्टिंग जेटब्रेन्स के प्रोडक्ट्स के साथ अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग टेस्ट ऑटोमेशन का प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।